फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आ गई हूँ वो वाला वीडियो जिसका बहुत दिन से आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था और आप बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो फाइनली आज मैंने अपनी वेडिंग एल्बम निकाल ली है। आज मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ, ये है मेरी वेडिंग एल्बम। तो चलिए आज मैं इसका आपको दिखाती हूँ। जाहिर सी बात है, अभी शादी की एल्बम है और बहुत सारी मेमोरीज भी खुलेंगी आप लोगों के साथ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाना शुरू करती हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर पहली बातों में टाइम वेस्ट कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अनलॉक कर लिया है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ इसको। तो ये तो गणपति जी का सभी की एल्बम में होता है। ये इसका बाहर का है, छूट गया है क्योंकि बच्चे देखते रहते हैं। आप लोगों को पता ही है, छुड़ा देते हैं, ये छूट ही जाता है। तो ये देखिए, ये है भाई हमारी शादी की एल्बम। ऐसी थी मैं शादी के टाइम, बहुत पतली थी और बहुत छोटी थी। अब तो फिर भी थोड़ी ठीक हो गई हूँ। देखिए, आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं इसको सीधे करके दिखाती हूँ फोटो को। और फ्रेंड्स, मैंने ना एसी चल रखा है, अगर आपको कोई आवाज आ रही है तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। और ये वाली पिक्चर देखिए, ये वाली फोटो मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। यार लाइट पड़ रही है, कैमरा कहाँ सेट करूं कि लाइट ना पड़े और आप लोगों को ठीक से दिखे। चलो पहले मैं देख लेती हूँ एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स, अब लाइट इतनी नहीं पड़ रही है। तो ये वाली पिक्चर मुझे मेरी बहुत ज्यादा पसंद है, और मेरे हस्बैंड को तो आप जानते ही हो, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। और एक ये वाली, ये न्यूड जो कलर है मुझे बहुत पसंद है। ये न्यूड कलर वाली पिक्चर मुझे बहुत पसंद है यार, सच में मुझे ये ही पिक्चर पसंद है अपनी। वैसे लोग बाग अपनी शादी का फोटो अपने रूम में लगा के रखते हैं, लेकिन हमारे रूम में नहीं है। हमारी कोई ऐसी पिक्चर नहीं है दोनों की कि हमने अपने रूम में लगाई हो। देखिए, उस टाइम पे मैं ऐसी थी और बहुत पतली थी, और आप लोगों को पता ही है मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी, तो इसीलिए काफी मैं छोटी लगती थी देखने में। ये और ये फोटो ना मेरे ससुराल की है, मतलब जब शादी होके घर पे आ जाते हैं ना ससुराल में, उस टाइम की है, रात की फोटो है। शादी हमारी दिन की थी क्योंकि गांव था, गांव का मतलब आपको पता ही है। और रास्ता दिल्ली से मेरे गांव तक जाने के रास्ते में जंगल वगैरह पड़ता है, तो इसलिए शादी दिन की रखी थी। तो ये देख लीजिए, ये है हमारी पिक्चर जो कि यहीं पे आके क्लिक करी गई थी वहां पे। उस टाइम लाइटिंग का भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था, और इतना मतलब तूफान और बारिश हुई थी हमारी शादी वाले दिन की। स्टेज वगैरह जो होती है, जो भी वो सारा सिस्टम था, वो बारिश की वजह से सब कुछ वेस्ट हो गया था, सब कुछ खराब हो गया था। तूफान बहुत तेज आया था और बरसात बहुत तेज हुई थी, तो इसीलिए वो सिस्टम सारा खत्म हो गया था। बस जैसे तैसे करके ऐसे ही किया था, फिर सब कुछ खराब हो गया था फ्रेंड्स, सच में। देखिए ये फोटो, ये हमारे पुराने घर की, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं शादी होके अपने पुराने वाले घर पे आई थी। और फिर जब मतलब 2-3 दिन बाद शादी के आते हैं ना वापस पगफेरा करके, तो तब मैं इस नए वाले घर में आई थी जिसमें हम अभी रहते हैं। और जब से मेरी शादी हुई है मैं यहीं पे रह रही हूँ। देख लो भाई, मैं ऐसी थी। आप लोगों की बड़ी इच्छा थी कि मैं शादी में मैं कैसी थी अपनी, तो ऐसी लगती थी मैं मेरी शादी में। और ये हैं मेरे ससुर जी, बहुत अच्छे हैं और मम्मी के बारे में भाई आप जानते ही हो, झूठ नहीं बोलूंगी, जो जैसा है मैंने आपको वैसे ही बताया। मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं, देख लो। और ये बिल्कुल मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी की मतलब मेरे पापा जी की एकदम कॉपी लगते हैं, लिप्स वगैरह। और मेरी ननद भी बिल्कुल ऐसी ही लगती है, सेम टू सेम। हमारे घर में चार लोग एक जैसे हैं, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड, मेरी बड़ी वाली बेटी और मेरी ननद, ये चारों एकदम कॉपी लगते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे पापा, ये मेरे पापा हैं, मतलब ये मेरे पापा हैं, ये मेरे ससुर जी वाले पापा हैं, ठीक है, दोनों हैं। और ये मेरी मम्मी जी हैं और ये मेरी बुआ जी हैं, मतलब मेरे हस्बैंड की बुआ जी हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बताती रहूंगी कि क्या क्या रिश्ता है हमारा। ये दोनों बुआ जी, ये बड़ी हैं, ये छोटी हैं। और ये पापा जी हैं, और ये मेरे जेठ हैं छोटे वाले, और ये मेरे देवर हैं। ये मेरे देवर की उस टाइम मतलब ये ऐसे थे, अभी तो काफी बड़े लगते हैं। वैसे ये देखने में मेरे हस्बैंड से बड़े ही लगते हैं पहले से ही। कई बार मतलब बताते हैं मेरे हस्बैंड, जैसे बोलते हैं कि मतलब
जैसे देखने वेखने आए थे तो ये सब समझते थे कि ये बड़े हैं, सब लोग ऐसे समझते थे। ये छोटे वाले जेठ हैं, अगेन मम्मी जी और बुआ जी, और ये मेरी जेठानी है, ये बुआ जी हैं, ये इनको मैं नहीं जानती कौन है ये, और ये मेरी ननंद है। देख लो इनके लिप्स देखो और इनकी आईज वगैरह देखो, और मेरे ससुर जी की, मेरी बेटी की और मेरे हस्बैंड की मिला के देखोगे ना, आपको सेम सेम लगेगा। देख लो ये मेरी जिठानी है छोटी वाली, और ये वाली है बड़ी वाली। बड़ी वाली है ये जो सबसे बड़ी है, और उनके बाद ये है, और फिर मैं हूँ तीसरे नंबर पे। ये देखो बड़ी वाली है ये मेरी ननद है, और ये गांव के लोग हैं जो सगाई करने आए थे वो आएंगे। और ये मेरे भाई है, फिर बुआ के लड़के हैं छोटे वाले, ये मेरे सबसे छोटे चाचा है, और ये इनका बेटा है, और ये मेरी दादी के भाई हैं, मेरी दादी के भाई हैं ये। ये देखो ये वाली पिक्चर देखो, बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत सुंदर लगते हैं इसमें। देखो सगल से कितने मासूम लगते हैं, परेशान करके रखते हैं, लेकिन मुझे, मेरा भाई ऐसा था मेरी शादी के टाइम, मतलब आप लोगों को पता ही है मैं बड़ी थी घर में सबसे, तो इस वजह से मुझसे सब छोटे ही छोटे थे। मेरी बुआ के बच्चे हैं वो बड़े थे, मेरे बुआ के एक बेटे की शादी पहले मुझसे 6 महीने पहले ही हुई थी, मैं दिखाऊंगी आगे मेरी भाभी को उनको। तो ये मेरा सबसे बड़ा भाई है जो मेरे बाद सबसे बड़ा है। ये सगाई की पिक्चर्स हैं, देख लो। ये इन्हीं के रिश्तेदार हैं, मैं नहीं जानती, ये शायद मम्मी के भैया हैं, जो मेरी सासू माँ है ना उनके, ये मामा जी है। मैंने कभी ज्यादा किसी को देखा नहीं है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मुझे पता नहीं है कि कौन कौन है, एक्चुअल में नहीं पता। बाकी हाँ मुझे लगता है कि ये वही है, ये शायद मामा जी हैं, और ये मेरे मामा हैं, और ये भी मेरे मामा हैं, और ये मेरे पापा हैं, और ये मेरे दादाजी हैं। मेरी शादी में मेरे दादा और दादी दोनों थे। मैं लकी हूँ इस मामले में कि मुझे दोनों का आशीर्वाद मिला है, लेकिन मेरे जो छोटे भाई बहन हैं अब उनकी शादी होगी तो ये नहीं होंगे, पर कहते हैं ना कि बच्चों के साथ बड़ों का आशीर्वाद हमेशा होता है, लेकिन फिर भी मैं सबसे ज्यादा लकी हूँ इस चीज में कि मेरे दादा दादी भी मेरी शादी में थे। और ये मेरे दादाजी के भाई हैं, मतलब ये भी मेरे दादा ही हैं, और ये यहाँ पे ससुराल की तरफ से जो मम्मी है ना, मम्मी की बहन के हस्बैंड है, मतलब मेरे, हमारे मौसा जी लगे, मेरे हस्बैंड के मौसा जी हैं। ये मेरे चाचा हैं, जो छोटे वाले दिखाए थे उनसे बड़े ये हैं, ये बड़े हैं, और देखो अगली फोटो में फिर ये छोटे हैं। और ये मेरे जेठ हैं बड़े वाले, देखो ये भी मेरे हस्बैंड की तरह दिखते हैं, इनका नाम विक्रांत है, बड़े वाले जेठ हैं मेरे। और उनसे छोटे ये हैं, इनका नाम विजयंत है, विजयंत, और ये देवर हैं, इनका नाम विशाल है, मेरे हस्बैंड का नाम जयंत है। पहले विक्रांत, फिर विजयंत, फिर जयंत, फिर विशाल। नाम देखो क्या टॉप के रखे थे उस टाइम पे। ये है मेरे बड़े भाई, और ये इनके रिलेटिव है मैं नहीं जानती, ये मेरे बड़े भाई है जो मैं बता रही थी ना, मेरी बुआ के बच्चे, हमारे साथ ही रहे हैं बचपन से, तो हमारे बिल्कुल सगे भाई हैं ये, हम नहीं मानते इनको बुआ जी के बच्चे हैं, हमारे बिल्कुल सगे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं। ये फौजी हैं फ्रेंड्स, आर्मी में है। और ये मेरी जेठानी, जेठ का लड़का है, मतलब मेरे हस्बैंड के भाई का बेटा। और ये मेरी ननद का लड़का है, जो कि अब तो ये सभी जवान हो रहे हैं, उस टाइम छोटे छोटे थे सब। और ये मेरे सबसे छोटा चाचा का बेटा, आपने देखा ही था। और ये देखो ये दोनों भाई बहन को देखो, अब आप इनकी पिक्चर खुद मिलाओ, ये देखो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो अब आप खुद मिलाओ, इनकी आईज देख लो दोनों की, आईब्रोज देख लो, लिप्स देख लो दोनों की, एकदम सेफ एक जैसी है। ये थोड़े मेरे हस्बैंड स्माइल दे रहे हैं इसलिए थोड़े ऐसे लग रहे हैं, नहीं जब स्माइल नहीं करते ना ऐसे ही लगते हैं बिल्कुल सेम टू सेम, फेस कट वगैरह सेम लगते हैं दोनों बिल्कुल, ऐसे ही मेरे ससुर जी लगते हैं, ऐसे ही मेरी बेटी लगती है बिल्कुल, डिक्टो एकदम, ये चार लोग एक जैसे हैं हमारे घर में। और ये कुर्ता इन्होंने सिर्फ अपनी सगाई में पहना था, जिंदगी में आज तक नहीं डाल के देखा है ये कुर्ता इन्होंने, सगाई में ही पहना था, मुझे तक पहन के नहीं दिखाया इन्होंने कि मैंने बोला फर्स्ट करवा चौथ पे बोला था कि मतलब चलो भाई आज आपको पता ही है कि लड़की लहंगा पहनती है शादी का, पहली करवा चौथ पे, तो मैंने कहा कि कम से कम आप अपनी इंगेजमेंट वाला वो पहन लो कुर्ता, नहीं पहना इन्होंने, बिल्कुल नहीं पहना। और ये भी मेरे दादू के भाई हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये बुआ जी हैं, आपको पता है ये इनके बेटे हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरी दादी के भाई हैं, और इन लोगों को मैं नहीं जानती हूं।
और ये मेरी जिठानी की लड़की है जो कि अब डॉक्टर बन चुकी है, डॉक्टर बन गई है, विशाखा नाम है। और ये मौसी के बच्चे हैं, इसकी मौसी के बच्चे हैं, ये हम दोनों हैं। ये देखो कैसी लग रही हूं मैं, पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे होंगे, लेकिन भाई ऐसे ही दिखती थी मैं शादी के टाइम। और ये सगाई की है और ये शादी की पिक्चर है, यहां से शुरू होती है शादी, सगाई हो गई है खत्म। देखो भाई हस्बैंड ऐसे थे, ये तो अभी भी ऐसे ही लगते हैं, इनको देखो ना कोई कह नहीं सकता कि मतलब शादी कोई ज्यादा दिन हुए होंगे, ये अभी भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये मेरी मतलब मेरे हस्बैंड की मौसी की लड़की है, और ये मेरे हस्बैंड के फूफा जी हैं। और ये पता नहीं यार, आधे लोगों को मैं जानती नहीं हूँ, ये भी फूफा जी हैं, यहीं पे रहते हैं हमारे घर के पास, इधर हम नंदनगरी में रहते हैं, ये मीतनगर में रहते हैं। ये मेरी ननद है, ये मम्मी पापा है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। इन लोगों को मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि ये कौन कौन है, ये कोई आस पड़ोस वाले ही होंगे उधर जब हम पुराने घर पे रहते थे तब की है। ये मेरी जेठानी, ये है मेरी मतलब मेरे हस्बैंड की मौसी जिनकी मैं बात आपको बता रही थी, ये मेरे हस्बैंड की मौसी हैं। और ये हैं, ये मतलब वैसे तो इनकी बुआ जी हैं, और वो जो मैंने फोटो दिखाई थी वो फूफा जी हैं, लेकिन हमारा जो रिश्ता था इन्होंने कराया था। ये मेरे पापा के दोस्त भी हैं, इनके हस्बैंड तो मेरे पापा जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इन्होंने हमारा रिश्ता करवाया था। तो ये देखो ये दोनों मौसी मौसी की बेटियां मतलब सिस्टर्स हैं। ये मेरी छोटी वाली जेठानी है, और ये मेरी मतलब मेरे हस्बैंड की बुआ जी हैं एक और, ये दोनों सिस्टर हैं, देख लो एक जैसी लगती है ये भी दोनों। मतलब हमारे बच्चे जब छोटे थे ना तो हम इनको दे दिया करते थे, तो इनका समझ के चले जाया करते थे, सब लोग इतने हंसते थे, वैसे किसी पे नहीं जाते थे, लेकिन इनको दे देते थे तो शक्ल देखते थे, मिलाते थे, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते थे कौन है। देखो ये है, ये बुआ जी और ये फूफा जी, ये मेरे पापा जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, इन्होंने हमारा रिश्ता करवाया था। और इधर से इनके फूफा जी थे, ये बुआ जी हैं, ये फूफा जी हैं, मौसी मौसा जी, ये जेठ है छोटे वाले, ये एक लड़का था उनका उस टाइम पे, ये था सिर्फ, अब दो हैं, और अब तो ये बड़ा हो गया काफी, 14-15 साल का हो गया, 15-16। हाँ हमारी शादी कोई 12वीं साल लग जाएगी अब मई से। तो ये जिठानी है, ये बड़े जेठ हैं, ये जिठानी है, ये दोनों बुआ जी, ये देवर है हमारे भाई, ये है मेरी जिठानी की लड़की जिनको मैंने भी बताया था कि डॉक्टर बन गई हैं, अब MBBS डॉक्टर बन गई है ये। ये देख लो स्टाइल की कमी नहीं है, स्टाइल तो पूरा मारते हैं बहुत। कुछ भी हो, एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मतलब जब हमारी शादी हुई थी, नहीं नहीं तो मतलब पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब मेरा जो हस्बैंड होगा वो इतना स्मार्ट होगा, सही बता रही हूँ, दिल की बात है ये जो आप लोगों को बता रही हूँ। तो फिर जब हमारी शादी हुई थी और शादी के बाद जब मैं यहाँ पे आई थी, और मेरे हस्बैंड जब ऑफिस के लिए तैयार होते हैं ना, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है इनकी, बात यह है पर्सनैलिटी के ऊपर बात होती है, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, सब मतलब इम्प्रेस हो जाते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी है इनकी। तो जब ये ऑफिस के लिए जाते थे ना रेडी होके, सुबह नहा धो के एकदम तैयार होके, थोड़े बाल भी उस टाइम बड़े रखते थे, अब तो छोटे रखने लगे हैं, इनके फेस पे बड़े बाल बहुत ही ज्यादा सूट करते थे, बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे। तो मैं इनको मतलब वो वाली चीज थी कि मैं देखती ही देखती रह जाती थी, मतलब मेरी नजर हटती ही नहीं थी, बहुत शर्म आती थी, लेकिन फिर भी मतलब आप लोग समझ ही सकते हो, नई नई शादी होती थी तो ऐसा होता था, ये नहीं कि अब नहीं होता, अभी भी यही हाल है, अभी भी यही हाल है, जब मतलब अच्छे से रेडी होते हैं ना ऑफिस जाने के लिए, तो अभी भी गुस्सा कितना भी आ रहा हो मुझे, हमारी चाहे लड़ाई हो गई हो, तो जिस टाइम भी मेरे सामने खड़े हो जाते हैं ना तैयार होकर, और इनको पता है कि मेरा गुस्सा पिघल जाता है इनका देख के, मतलब जब रेडी हो जाते हैं एकदम, और फिर जान पूछ के जब मुझसे लड़ाई हो जाएगी ना, तो एकदम तैयार होकर मुझे दिखाएंगे और हंसेंगे, फिर मुझसे गुस्सा नहीं रहा जाता। फिर आज भी मेरी यही फीलिंग्स हैं जो पहले थी, और बहुत मतलब ऐसे ही करते हैं जब इन्हें मुझे मनाना होता है, तो यही है आज भी इनका फंडा, यही है हमेशा से, यही ऐसे ही करते हैं अभी भी, इनको पता है कि अगर मैं इनको ऐसे देखूंगी तो मैं गुस्सा नहीं रह सकती।
और ये चाचा है मेरे हस्बैंड के चाचा हैं, ये सबसे छोटे वाले, छोटे से थोड़े बड़े, एक एक नंबर बड़े। ये मौसी के बेटे हैं हस्बैंड के, ये मौसी की बेटी है। ये मंदिर की पिक्चर्स है। चलो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देती हूँ, अब मैं लगा देती हूँ थोड़ा आगे जाके, या चलो जल्दी जल्दी करके दिखा देती हूँ क्योंकि वीडियो हो रहा है लंबा। आप लोग इन सबको जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं है। ये मेरे जीजा जी लगते हैं, ये हमारे घर पे पहुंच गए। यहाँ पे बीच का कुछ ऐसा है नहीं, दिन की थी, गर्मी की शादी थी भाई, 6 मई को बहुत गर्मी होती है। ये यहाँ यहाँ ससुराल तक है, फिर ये हमारे घर पे पहुंच गए। जो घर पे मतलब वहां पे पहुंचने के बाद जो टीका वगैरह होता है ना, ये वही है, ये मेरे जीजा जी लगते हैं। ये देखिए, ये अगेन फिर से यही की पिक्चर्स है दोनों ससुराल की। पापा जी, ये शायद मामा जी हैं, ये मेरी ननद का लड़का है, मैंने आपको बताया था। गर्मी बहुत थी, फिर ऊपर से तब बारिश वारिश हो गई ना, बारिश पड़ी बहुत और तूफान आया, उसके बाद मौसम काफी अच्छा हो गया था। फिर वेडिंग वीडियो भी मैं डालना चाहती थी, लेकिन यार क्लेम आता है, म्यूजिक होता है ना वीडियो में, तो उसको डालते हैं तो क्लेम आ जाता है, इसलिए मैं नहीं डाल रही। नहीं तो मैं एल्बम वो भी दिखा देती आपको, वीडियो भी बहुत मजेदार है सच में यार, बहुत हंसी आती है जब हम देखते हैं ना, हम अभी भी लगाते हैं, बहुत हंसी आती है। चलिए अब मैं थोड़ी आगे करके लगा देती हूँ, जब हमारे घर पे पहुंच गए थे। तो ये डांस की है, जो डांस की पिक्चर है देखिए, बहुत अच्छा मतलब था सब कुछ। वीडियो दिखाती ना आप लोगों को, आप भी कहती कि हाँ बड़ा मजा आता है देखने में, अभी भी हंस हंस के सब लोटपोट हो जाते हैं। इनके डांस को सबसे ज्यादा हंसी मेरे देवर के डांस को देख के आती है, आज भी मैं सही बता रही हूँ, मेरी हंसी रुकती नहीं है इनकी इनकी डांस वीडियो देखते हैं ना, तो आज भी मेरी हंसी नहीं रुकती है। अब हमारे घर पे पहुंच गए हैं, यहाँ से ये पिक्चर है देखो, ये है मेरी बड़ी वाली भाभी, बहुत खूबसूरत है यार ये बहुत सुंदर है सच में, बिल्कुल ऐसे लगती है सोनाक्षी सिन्हा की तरह लगती है थोड़ी थोड़ी। ये मेरी मौसी है, ये मेरी चाची है बड़ी, और ये सबसे छोटी है, आप लोग जानते ही हो। जो वो है तीसरे नंबर की, वो अगेन इसमें नहीं है, आगे आएंगे मैं दिखाऊंगी। ये मेरे भाई हैं, आप लोग जानते ही हो। देखो ये है मेरी भाभी, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, पता नहीं पिक्चर में कैसा लग रहा है। ये देखिए स्माइल देखिए कितनी खूबसूरत, बहुत ज्यादा सुंदर है। ये बरोठी होती है ना, तब की पिक्चर है ये। देखो मेरे भाई इतने इतने से थे उस टाइम, ये बड़े से छोटे वाला है। देखो बारिश की वजह से इतना वो सिस्टम खराब हुआ था कि खाना भी घर में बिठा के खिलाना पड़ा था। जो खिलाते हैं ना, वो खाना खिलाते हैं वहां पे मंडप में, मंडप में नहीं खिला पाए थे वो, मतलब एक हमने खुले मतलब थोड़ा सा ऐसी जगह पे रखा था, जो इंतजाम था खुली सी जगह पे, पार्क सा था वहां पे किया हुआ था, तो जिसकी वजह से फिर वो सब कुछ हटाना पड़ गया था, सब कुछ वेस्ट हो गया था, सब कुछ खराब हो गया था। बारिश बहुत तेज बहुत तेज थी और तूफान बहुत तेज था, इसकी वजह से फिर सारे जो रस्में थी जो सब वो घर में हुई थी। पीछे तभी के तभी हमारे खेतों के गेहूं कट के आए थे, तो वो गेहूं के ये बोरे लगे हुए हैं, आप लोग सोच रहे होंगे पीछे क्या है, ये बोरे हैं गेहूं खेतों से आए थे। जो सारा सिस्टम खराब हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा अपसेट हो गए थे सब लोग, क्योंकि भाई इतना अच्छा अरेंजमेंट करा था, बारिश की वजह से सब खराब हो गया था, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जो होना था वो तो हो ही गया। ये सब गहने वगैरह थे जो मुझे चढ़ाए गए थे हालांकि मेरे पास इनमें से एक भी नहीं है सिवाय मंगलसूत्र को छोड़ के, मंगलसूत्र है बस, बाकी सब वापस मैंने दे दिया था, क्योंकि भाई गहने वगैरह की जिम्मेदारी मेरे बस की नहीं है उठानी, तो इसलिए मैंने मम्मी को दे दिया था कि आप ही रखो, मुझसे नहीं संभलेगी भाई इतनी सारी चीजें। ये कपड़े वगैरह है जो शादी के थे, साड़ियां, यहां से शुरू होती है जयमाला। ये फोटो भी अच्छा लगता है, ये देखो भाई ऐसी लग रही थी मैं शादी के टाइम। सही बताऊं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था मेरा लहंगा और मेरा मेकअप,
क्योंकि भाई आप लोग जानते ही हो मैं गांव से हूँ, और अब से 12 साल पहले गांव का सिस्टम क्या था, अब वहां पे पार्लर वगैरह है, सब कुछ है। उस टाइम पे तो कोई लड़की बाहर पार्लर में रेडी होने भी नहीं जाती थी। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही थी जो पार्लर सीख रखा था, उसने पार्लर का मेकअप वो करती थी, तो मैंने उसको घर पे बुला के मेकअप कराया था। लेकिन उसने ऐसा मतलब अच्छा मेकअप नहीं किया था। बाद में मैं ये सोच के पछता रही थी कि यार इससे अच्छा था मैं ही कर लेती खुद अपना मेकअप। लेकिन वही वाली बात है ना, शादी में खुद अपना मेकअप यार कौन करता है और कैसा अजीब लगता है, इसलिए नहीं किया। बाकी आप लोगों को पता ही है मेरा मेकअप इससे ज्यादा अच्छा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था मेकअप, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, जो है सब अच्छा है। ये है मेरी भाभी, छोटी चाची, मैं बड़ी चाची, और ये हम दोनों। हाइट भी हम लोगों की ज्यादा कोई वो नहीं है, बिल्कुल सही है, एकदम जैसी होनी चाहिए। ये वाली पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये वाली। पता नहीं कैसा दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन हाँ काफी हद तक ठीक ही लग रही थी, इतनी बुरी भी नहीं लग रही थी कि मैं बुरी लग रही थी। पतली बहुत थी, लेकिन बहुत पतली थी उस टाइम में, मेरी कमर सिर्फ 24 थी, अभी अभी भी ज्यादा नहीं है, 28 है बस मेरी कमर, ज्यादा नहीं बड़ी हूं मैं। और अब तो 3 बच्चे हो गए हैं यार, जब 28 है अभी भी कोई ज्यादा हैवी भारी नहीं हूं मैं। हस्बैंड मेरे आज भी ऐसे ही है जैसे 11 साल पहले थे, आज भी ऐसे के ऐसे ही है। ये देखो फिर, हाँ मैं बता रही थी ना बारिश वारिश हो गया था, तो ये सिस्टम जो था जयमाला का, फिर ये हमारे घर पे करा गया था। मतलब मेरी बुआ जी, मैंने आप लोगों को बताई है, बुआ जी और बुआ जी के बच्चे बचपन से हमारे साथ ही रहे हैं। कुछ मतलब उनकी कोई कुछ सिचुएशन ऐसी है कि मतलब वो हमारे साथ ही पले बड़े हैं, यहीं पे पढ़ाई लिखाई हुई है, यहीं से सब कुछ हुआ है हमारे घर से ही। तो ये उनका घर है, मेरी बुआ जी का अलग बना लिया था उन्होंने नौकरी लगने के बाद भाई की, तो वहां पे फिर उनके वहां पे ये सिस्टम किया गया था मेरी बुआ जी के यहाँ पे। बस थोड़ा सा ऐसे ही भाई रस्में हैं वो तो करनी पड़ेंगी, अब बारिश को थोड़ी ना मना रोक सकता है कोई। ये पिक्चर ये फिर यहीं की, अगेन ये ससुराल की पिक्चर है, वहां पे ज्यादा पिक्चर क्लिक हुई नहीं थी, तूफान जब भी आ रहा था और बारिश की वजह से नहीं हो रहा था। देखो सब फैमिलीज हैं ये, इनको मैं नहीं जानती हूँ, आधे लोगों को मैं नहीं जानती। मेरे छोटे चाचा, उनकी बेटी, अब तो ये भी बड़ी हो रही है, आपने पिछली वीडियो में देखी होगी, और ये छोटी चाची हैं, ये देखो मेरे, इनके हस्बैंड नहीं आए थे शादी में, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती। बहुत ही कम आते हैं वो यहाँ, अभी भी 10 साल में, वो सॉरी 11 साल हो जाएंगे, वो 11 बार भी नहीं आए होंगे मुझे ऐसा लगता है, 4-5 बार ही आए हैं बस मेरे सामने भी। ये है देखो मेरी चाची जिनको आपने अभी तक देखा नहीं है, तीसरे नंबर की चाची ये है, ये बड़ी है, इनके बाद फिर ये है, फिर वो वाली है जो सबसे छोटी है। भैया भाभी है मेरे, पूरे 6 महीने पहले इनकी शादी हुई थी मेरी शादी से। मम्मी, ये मम्मी है मेरी, और देखिए मम्मी पापा, और ये मेरी फ्रेंड्स हैं, ये मेरे ताऊ की बेटी है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, और इनकी मम्मी ने ही मेरा मेकअप किया था, इनकी मम्मी मेकअप करती है, मतलब पार्लर है उनका अपना। अगेन ये देखो, ये अगेन यहीं की है ससुराल की, मैंने आप लोगों को बताई वहां पे मौसम बहुत खराब था, जिसकी वजह से मतलब वहां पे कोई पिक्चर क्लिक नहीं हो पाई थी, और मौसम के साथ साथ फिर लाइट भी चली गई थी, तूफान की वजह से लाइट भी नहीं थी। ये वाली पिक्चर भी अच्छी लगती है। ये कन्यादान की है, मेरे दादाजी हैं, मम्मी, भाई, भाभी, और ये मेरी दादी की बहन है, मतलब ये भी दादी है हमारी, और ये मेरी बुआ जी है। ये भी बुआ जी हैं, वो चाची हैं, आप लोगों को पता ही है। ये मेरे बड़े वाले चाचा हैं फ्रेंड्स, ये अब हमारे साथ नहीं है, इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, इनके जाने का हम सभी को बहुत दुख है, सच में बहुत दुख है। मैं सोचा नहीं था कि मतलब ये हमारे साथ नहीं होंगे, कभी नहीं सोचा था इनका। सच में यार जब भी मुझे याद आती है मेरी आंखों में हमेशा आंसू आ जाते हैं, और ऐसा नहीं कि नहीं आती, रोज मुझे इनकी याद आती है, और यहां तक कि मुझे सपने में भी दिखते हैं ये, लेकिन फिर भी इनके जाने का दुख हमेशा हमारे दिल में रहेगा। 1 साल हो जाएगा इनको भी गए हुए, 28 अप्रैल को चले गए थे हमें छोड़ के,
ये देखिए, यहाँ का मैं आपको बताना चाहूंगी, आगे देखो ये जो हवन की अग्नि थी बहुत ज्यादा मतलब तेज थी, और पीछे धड़ाधड़ बरसात हो रही थी। मतलब यहाँ पे हम बैठे, यहाँ पे अग्नि है, यहाँ पे बरसात थी बहुत भयंकर। थोड़े से पीछे हो तो बारिश में भीगने लगते थे, थोड़े से आगे हो तो गर्मी के मारे बुरा हाल था। ये सिस्टम था, हमारी शादी ऐसे हुई थी। देख लो, ये फेरे हो रहे हैं, मेरे हस्बैंड हंस रहे हैं, और ये इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि वो होता है ना जो जूता चेंज होता है एक दूसरे का, मतलब एक एक जूता चेंज करके वहां पे हंस रहे थे। मेरा पैर बहुत छोटा था तो इनके तो पैर में चप्पल कहाँ आने वाली थी, मेरी सैंडल अंगूठे में फंसा के चल रहे थे तो इसलिए हंस रहे थे। और इनका जूता इतना बड़ा था कि मेरे दोनों पैर एक ही जूते में आ जाते। बस, और जो बाद में दूल्हे का टीका वगैरह होता है उसकी कोई पिक्चर नहीं है क्योंकि वहां पे बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, एक तो बारिश की वजह से, ऊपर से फिर जल्दी जल्दी विदाई की भी हो गई थी, तो ये फिर विदाई की फोटो है। मम्मी, पापा, मेरे भाई हैं तीनों, ये मेरे तीनों भाई। देखो, एक तो मेरा भाई इतना सा था मेरी शादी में, छोटा सा, अब तो ये भी बड़ा हो रहा है। मेरी अगले साल, एक साल के अंदर ही फिर मेरी बेटी हो गई थी बड़ी वाली, तो ये दोनों की इतनी लड़ाई होती है अब बहुत ज्यादा। 2 साल का, 2.5 साल का अंतर है सिर्फ दोनों में, 2.5-3 साल का, मेरे भाई में छोटे वाले में और मेरी बेटी में, 2.5 या 3 का होगा बस, इतने ही छोटे हैं दोनों। नहीं, लड़ाई होती है बहुत दबा के आज भी। सबसे ज्यादा मैं मेरे पापा से लिपट के रोई थी, और एक मेरा भाई है जो जिससे मतलब बहुत लगाव है मुझे। एक मेरी बड़ी बहन है, वही जिसके साथ आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, मुझसे छोटी है, उससे मुझे बेहद लगाव है, पता नहीं क्यों बेहद लगाव है उससे। और एक मेरी बुआ जी का लड़का है छोटा वाला, उससे। इनका दुख पता नहीं क्यों, मेरे तो इनका दुख मुझे अपने दुख ऐसा लगता है कि मुझे ही दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा लगाव मुझे इन दोनों से। ये भी कोई रिलेटिव ही है, और बस इतना ही है। और ये मेरे मामा जी है, लेके जाते हैं ना डोली, मामा जी उठा के लेके जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वेडिंग एल्बम, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। बहुत दिन से करने की सोच रही थी, पहले मुझे ये मिली नहीं थी और फिर मिली, तो जब मिली तो फिर मैंने सोचा कि चलो दिखा देती हूँ। तो बताइएगा जरूर भाई हमारी वीडियो आपको ये कैसी लगी है। हैप्पी रहिएगा फ्रेंड्स, अपने घर वालों को हैप्पी रखिएगा, बताना जरूर कैसी लगी है वीडियो, और कोशिश करूंगी शादी की वीडियो डाल पाई तो। अगर कॉपीराइट क्लेम ना आता ना तो मैं डाल देती, बात यह कि म्यूजिक की वजह से कॉपीराइट क्लेम आता है वीडियो डालने पे, तो इसीलिए नहीं डाल पा रहे, फिर भी मैं कोशिश करके देखूंगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, बाय फ्रेंड्स।